हेलो गाइस, चेची का नाथ, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ जर्नी। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में होता क्या है? फर्स्ट थिंग, पीरियड मिस होता है जिससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी रुक गई है। फिर होता क्या है, चक्कर आता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ब्रेस्ट पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, स्पेशली बैक पेन होते हैं, बॉडी पेन होता है, बैक पेन होते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये फर्स्ट सेमेस्टर टफ भी है और बोलते हैं मुश्किल भी है। एक्चुअली मैं होता है जिसके साथ अभी ये देखो मेरे साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है। मुझे लगता था कि ये ज़्यादा टफ है और स्पेशली ये फर्स्ट सेमेस्टर में खुद का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि मिसकैरेजेस भी ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही ज़्यादा चांसेस रहता है मिसकैरेज का। पर ज़रूरी नहीं कि जो जो मेरे साथ हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी आपके साथ हो, ये ज़रूरी नहीं है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर टफ क्यों था, जिसने मैंने टेस्ट किया है, डेट मुझे अभी भी याद है, 16 जून था, थर्सडे था। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग किट से टेस्ट किया, टेस्ट करने का पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के 2 घंटे के बाद मुझे ब्लीडिंग चालू होगा और भी यू कैन बिलीव मुझे 7 डेज तक कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा था। तो फिर इतना ब्लीडिंग होने के बाद भी वो प्रेगनेंसी में रुका। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो फर्स्ट इतना ब्लीडिंग हो रहा था तो ऑब्वियसली टफ ही था, पर इतने में मैं अपने घर का काम, मेरा जॉब कैसे मेंटेन कर रही थी। फिर ये फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कहते स्मूथली पार किया और डॉक्टर ने क्या क्या एडवाइस किया था ये सब सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी प्रेगनेंसी भी फर्स्ट सेमेस्टर ईजिली मतलब क्या निकल जाए। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है और किसी किसी को बहुत कम, किसी किसी को होता ही नहीं। पर मुझे क्या हुआ था, मुझे फर्स्ट 4 मंथ बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा था। कोई भी सब्ज़ी, दाल और सब्ज़ी बिल्कुल भी मुझे उसका स्मेल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बहुत ही ज़्यादा बोलते उस लेवल पर वोमिटिंग हो रहा था। तो क्या डॉक्टर ने बोला कि वोमिटिंग ज़्यादा होगा पर हर 2 आवर्स के गैप में छोटे छोटे मील कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा वरना बॉडी डिहाइड्रेट, तो वीकनेस ऐसे भी फील होते हैं और पेन्स वगैरह तो रहता है, बॉडी पेन्स वगैरह, और बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाएगा और इससे क्या होगा, एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि हर 2 आवर्स गैप में आपको कुछ ना छोटी छोटी मतलब कुछ भी हो, कुछ ना हो तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, फ्रूट्स या फ्रूट जूस वगैरह कुछ भी हो, पर हर 2 घंटे के गैप में लेना है ताकि बॉडी, और स्पेशली क्या ध्यान रखना है, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो बोल के। अगर आप चाय या कॉफ़ी के एडिक्टेड हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी मत ही लो, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि चाय या कॉफ़ी हो मतलब अपनी प्रेगनेंसी में इतना हेल्दी नहीं होता आए बेबी के लिए। तो मैं तो इतनी ज़्यादा एडिक्टेड नहीं थी तो इसलिए मेरे लिए इजी हो गया छोड़ना। पर जो नहीं छोड़ सकते तो आप दिन में 1 बार मैक्सिमम 2 बार ले सकते हो, पर ट्राई करने की अवॉइड करने के लिए। और फिर क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस, हेडेक, बॉडी पेन होता है। तो जब आप सुबह उठते हो, उठते ही पहले रूम टेम्परेचर में अगर रूम टेम्परेचर में मन नहीं करता है तो हल्का गुनगुना सा पानी 1-2 ग्लास लो। फिर वो पानी पीने के 10-15 मिनट बाद रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स ले लेना, और ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह या विद इन 1 आवर में ब्रेकफास्ट ले लेना। और फ्रूट्स में आप बनाना एप्पल ले सकते हो पर वो कुछ खाने के बाद ही लेना वरना ये एसिडिटी करता है और प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा ही एसिडिटी करता है ये। मैं ड्राई फ्रूट्स में क्या लेती थी, आलमंड लेती थी, वॉलनट लेती थी, काजू और किशमिश रात को भिगो के रख देती थी। सुबह उठने के बाद जब पानी पीती थी उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेती थी। फिर विद इन 1 आवर में अपना ब्रेकफास्ट, ऐसे कुछ नहीं है कि ये खाना है वो खाना है, ब्रेकफास्ट कुछ भी ले सकते। और क्या प्रेगनेंसी में एसिडिटी ज़्यादा होती है तो लंच जब आप करोगे, लंच के बाद क्या करना, आप बटर मिल्क ले सकते हो या दही में थोड़ा सा काला नमक डाल के वो ले सकते हो, पर कब, बस लंच में ही लेना, डिनर में नहीं, वरना वो सर्दी पकड़ लेगा। और फिर क्या होता है, जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने के 10-15 मिनट बाद ट्राई करना गर्म पानी पीने का प्रेफर करना। और अगर डॉक्टर ने आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट नहीं बोला है मतलब प्रेगनेंसी कम्प्लिकेटेड नहीं है तो ट्राई करना कि खाने के बाद, खाना खा के उठे फिर 15-20 मिनट रेस्ट के फिर थोड़ा सा स्लोली वॉक घर में ही करना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर दिन में भी रात में भी 2 टाइम करना स्लोली वॉक, की हेल्प करेगा प्रेगनेंसी में। और एक नेचुरल प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप ये प्रॉब्लम मतलब जो प्रेगनेंट ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि रात को सोने से पहले गर्म दूध पी के सोने के लिए, एंड रियली वो ये सच में काम करता है। अगर जिनको दूध पीना पसंद नहीं है वो लोग सोने से पहले गर्म पानी ले सकते हैं। और अपने खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ऐड करना डाइट में और सलाद ऐड करना ताकि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना आए। और कैसे, हमारी ये फर्स्ट सेमेस्टर रहती है 13 वीक्स की जिसमें 2 सोनोग्राफी रहते हैं, और आपको ना फर्स्ट सेमेस्टर में अपने खाने पीने के ध्यान रखना होता है। डॉक्टर जो सप्लीमेंट्स देते हैं, मेडिसिन तो हम लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब फर्स्ट मंथ से ही चालू हो जाता है, तो हम लोगों के फर्स्ट मंथ से ही चालू होता है अप टू 9 मंथ्स तक। तो डॉक्टर ने जितना भी मेडिसिन दिया उसको आपको कंटिन्यू करना होता है।
फर्स्ट 13 वीक्स में एक सोनोग्राफी रहता है, किसी किसी का दो रहता है, मैक्सिमम केस में एक ही रहता है सोनोग्राफी। और 13 वीक्स कंप्लीट होने के बाद जब आपको थर्ड मंथ एंड होने तक आएगा तब तक एक सोनोग्राफी या थर्ड मंथ कटिंग। पर जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब जिस दिन मुझे मेरा पॉजिटिव आया उसी दिन मुझे ब्लीडिंग हुआ, तो हम लोगों ने 3 डॉक्टर दिखाए थे। फर्स्ट 2 डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए थे मेडिसिन लेने के लिए, पर जिस डॉक्टर के पास मैंने कंटिन्यू किया डिलीवरी तक, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया क्या कि प्रेगनेंसी है पर पोर प्रेगनेंसी है, अगर बेबी अंदर से हेल्दी होगा तो प्रेगनेंसी रुकेगी, अगर हेल्दी नहीं होगा तो ऑटोमेटिक अबॉर्शन हो जाएगा। तो एक काम करना, आप कुछ भी मेडिसिन मत लेना, 7 डेज तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना, 7 डेज के बाद आप आना, हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे और पता चल जाएगा कि मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं। 7 डेज तक मतलब कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हुआ, जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई 9th डे को उसी दिन मुझे ब्लीडिंग नहीं हुआ था। और मतलब शॉकिंग क्या था, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मतलब इतना होने के बाद बच्चा है, मतलब बच्चा अंदर से हेल्दी है। तो फिर क्या होता है, मेरा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मुझे 13 वीक्स में मेरा 3 बार सोनोग्राफी हुआ है, तो किसी किसी का एक बार होता है बेबी हेल्दी होगा। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बाद बेबी रुका और बेबी हेल्दी हुआ। डॉक्टर ने हमें डायरेक्टली बोल दिया था कि आपको मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन है, अप टू 5 मंथ्स तक कुछ गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, हो सकता है मतलब ऑटोमेटिक अबॉर्शन भी हो सकता है, 5 मंथ तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। पर वो जो बोलते हैं भगवान की कृपा से प्रेगनेंसी स्मूथली निकल गई और बेबी हेल्दी हुआ। और कैसे डॉक्टर ने मुझे बोला कि इससे नहीं कि मेरे केस में मैक्सिमम केसेस में ब्लीडिंग होता है, पर मुझे जितना होता है उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है पर होता है। और स्पेशली ये टाइम में मुझे डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए क्या बोला था, वो तो पाइनएप्पल, ऐसे भी पाइनएप्पल पपाया तो हाँ कोई बोल देता है कि पाइनएप्पल पपाया नहीं खाते, कभी कभी डॉक्टर अजवाइन अदरक ये लेने के लिए मना करते क्योंकि गर्म रहता है ये चीज़ें, फिर ऑचना मोटा आता है। और आपको रिफाइंड फूड, पैकेज फूड और फास्ट फूड वगैरह ये भी, और नॉनवेज जो खाते हैं बहुत कम डॉक्टर मतलब प्रीफर करते हैं कि कम, क्योंकि वो गर्म रहते हैं तो प्रीफर करते हैं कि कम खाओ। मेरी प्रेगनेंसी में तो मैंने नॉनवेज नहीं खाया कि मतलब मुझे वो नॉनवेज की स्मेल से ही उल्टी हो जाती थी, पड़ोस वाले भी बनाएंगे मुझे उल्टी हो जाती है, स्पेशली चिकन की स्मेल से। और क्या मुझे बना था, लॉन्ग रूट ट्रैवल करना, बाइक में ट्रैवल करना स्पेशली लॉन्ग रूट का। मैं तो मतलब वो जो 3 मंथ में जितनी बार घर से निकली वो 3 मंथ में हर 15 डेज में निकली थी, 15 डेज में छुपी निकलती थी क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली फर्स्ट 2 मंथ तक बेड रेस्ट कर दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था बोल के। पर थैंक्स टू माई हस्बैंड, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वरना मतलब होता है ना जब आप दोनों ही रहो घर का काम, ऐसे भी आपको मतलब दोनों को मिलकर करना पड़ता है, पर हम लोग रहते हैं ना अरे ये करना है वो करना है वो करना है, पर उस टाइम ने हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए, बहुत मतलब होता है ना प्रॉपर केयर, डॉक्टर ने जिस हिसाब से बोला था प्रॉपर केयर करके रखे, तो इजीली मेरी प्रेगनेंसी निकली। और फिर क्या होता है, डॉक्टर ने बोला कि मतलब ब्लीडिंग होता है हर किसी को होता है, पर किसी को थोड़ा बहुत होता है, पर मेरे केस में क्या बहुत ज़्यादा हो रहा था। और क्या हो रहा था, बैक पेन हो रहा था मुझे, फुल मतलब स्टार्टिंग मंथ से मुझे बैक पेन हो रहा था और फ्रिक्वेंटली यूरिनल हो रहा था और मुझे मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बॉडी डिस्चार्ज हो रहा था। और डरने की बात नहीं, ये सब नॉर्मल है, और कैसे अपना स्पेशली अपना केयर करो खुद का तो ईजिली निकल जाता है। और रहता है हम लोगों ने तो घर में बताया था 2.5 मंथ्स के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने इसे बोल दिया था 5 मंथ कुछ गारंटी नहीं, तो हम लोगों ने घर में बताया था कि मेरे इन लॉज को पता था और मेरे पेरेंट्स को पता था बस, इतने और किसी को नहीं बताए थे हम लोग। कुछ नहीं इसलिए निकल सकता है, बस आपको अपना प्रॉपर केयर लेना, और अगर पार्टनर आपका केयरिंग है तो आपको कम्प्लीटली पूरा प्रेगनेंसी आपको इजी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। और जो जो प्रेगनेंट है, जो जो वीडियो देख रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी और डिलीवरी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय जगन्नाथ।